लॉजिक गेट्स नाम से पता लग रहा है, लॉजिक का मतलब कोई लॉजिक है, कोई दिमाग लगाएगा और गेट को ओपन करेगा। गेट ओपन मतलब सिग्नल को आने देगा और गेट को क्लोज करेगा, सिग्नल को नहीं जाने देगा। तो कोई लॉजिक होगा जिससे कि गेट ओपन होगा या गेट क्लोज रहेगा, इसको बोलते हैं लॉजिक गेट्स। तो लॉजिक गेट्स बेसिकली किससे बने होते हैं? लॉजिक गेट्स बता दूं, डायोड से बने होते हैं। और ये कहाँ काम आते हैं लॉजिक गेट्स? कंप्यूटर कंप्यूटर बनाने में, आपका कंप्यूटर के बाद आपका जो आपका सेमीकंडक्टर जो आपके डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बनाने में, किस हर जगह आपके लॉजिक गेट्स काम आते हैं। ठीक, तो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपके पास एक एक मान लो LEDs का पैनल है जैसे मार्केट में लगा होता है, या न्यूज वाले न्यूज रन कर रही होती हैं इसके ऊपर, रेड कलर की लाइन जो LEDs हैं इसके ऊपर चलती हैं, तो रेड कलर की LED तो न्यूज इसमें डिस्प्ले होती रहती है, तो कौन सा बल्ब कब ऑन करना है वो लॉजिक गेट आपका डिसाइड करता है कि कौन सा बल्ब कौन ऑन ऑन करना है। जैसे मैंने कोई टाइप किया करेक्टर, वो करेक्टर वैसे ही टाइप होंगे, वही LEDs ऑन होंगी। तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ। या जैसे आपका कोई भी डिस्प्ले सिस्टम है, जो डिजिटल डिस्प्ले सिस्टम है, या लैपटॉप है, कंप्यूटर, हर जगह ये लॉजिक गेट्स लगे होते हैं। तो लॉजिक गेट्स के अंदर सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाने के काम आता है। तो कोई भी कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक की जो मशीन है वो एक नंबर सिस्टम को फॉलो करती है, और वो नंबर सिस्टम है बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बाइनरी नंबर सिस्टम को फॉलो करती है। हम लोग जब बचपन से पढ़ते हैं, हम किस नंबर सिस्टम को फॉलो करते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम। तो हमारा नंबर सिस्टम एक डेसिमल नंबर सिस्टम है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर बेसिकली क्या है, तो जो डेसिमल नंबर सिस्टम है, डेसिमल नंबर सिस्टम 0 से लेके 9 तक नंबर्स रखता है। 0 और 9 के बीच में 10 नंबर हैं। आप दुनिया का कोई भी नंबर इन 10 नंबर से बना सकते हैं। दूसरा नंबर सिस्टम है आपका कौन सा? बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ 2 ही नंबर्स हैं, 0 और 1, और कोई नंबर नहीं है। दुनिया का कोई भी नंबर आप इससे बना सकते हैं। नेक्स्ट नंबर सिस्टम है ऑक्टल। ऑक्टल नंबर सिस्टम 0 और 7 यानी कि 8 नंबर से बना हुआ है। दुनिया का कोई भी नंबर इन 7 नंबर से बन सकता है, 8 नंबरों से बन सकता है। नेक्स्ट है हेक्साडेसिमल, 0 और 15 के बीच में 15-16 नंबर्स हैं हेक्साडेसिमल के अंदर, उसे कुछ भी बन सकता है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में सिखाया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर्स पढ़ते हुए। ऑक्टल भी उसमें सिखाया जाता है। हम अभी क्या सीख रहे हैं? बाइनरी। वैसे बाइनरी भी उसी में सिखाया जाता है बहुत डिटेल में, हम तो बस एक 2 लाइन में खत्म कर रहे हैं टॉपिक को। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 नंबर्स हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल 2 ही नंबर्स हैं। तो 2 नंबर सिस्टम कोई मशीन, अगर मैं बोलता हूँ बाइनरी नंबर सिस्टम फॉलो करती है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर बेसिकली क्या होगा? बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर क्या होगा? 2 नंबर्स हैं। कोई भी मशीन को कोई भी सिग्नल दिया जाए, वो 2 ही तरीके से इसको समझती है, 0 और 1। 0 और 1 मशीन भी कैसे समझेगी? उसको कौन सा काउंटिंग आती है? 1 का मतलब होता है हाई वोल्टेज और 0 का मतलब होता है लो वोल्टेज। बस सिंपल। या तो मान लो एक वोल्टेज को डिफाइन करते हैं, 1 का मतलब है 5 वोल्ट और 0 का मतलब है -5 वोल्ट। तो जब मैं बोलता हूँ 1 तो वहां पर वोल्टेज है 5 वोल्ट, मैं बोलता हूँ 0 वहां पर है -5 वोल्ट। बस बीच में 4, 4.5, 3 तो हो ही नहीं सकती। तो बस 2 ही किस्म की वोल्टेज रिकॉग्नाइज करता है, या हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज। ये काम है इसका बाइनरी नंबर सिस्टम का। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सिखाएंगे, कंप्यूटर वाले इसको कैसे हम लगाते हैं मशीन में वोल्टेज की फॉर्म में, अभी हमने डिटेल में नहीं जाना। डिटेल में हमें क्वेश्चन आएगा, पहला क्वेश्चन आ सकता है कि अगर आपको कोई भी नंबर गिवन है, जैसे 23 डेसिमल नंबर सिस्टम है, तो डेसिमल नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए यहां पर क्या लगता है नंबर? 10। 10 का मतलब कौन सा नंबर सिस्टम है? डेसिमल। और इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, बाइनरी 2 है तो यहां पर क्या आएगा? बाइनरी। तो 2 का मतलब कौन सा नंबर सिस्टम है? बाइनरी। तो 1001 की फॉर्म में। तो मेरे को क्या करना है? डेसिमल नंबर सिस्टम से किसमें जाना है? बाइनरी नंबर सिस्टम में जाना है। ठीक, तो डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर आपने क्या करना है? कोई भी नंबर जिसको आपने 1001 में कन्वर्ट करना है, उसको आपने 2 से डिवाइड कर देना है। 2 से इसलिए क्योंकि रिमाइंडर या तो 1 होगा या रिमाइंडर 0 होगा। जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा? 11। तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1। आप 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 5। रिमाइंडर क्या आएगा? 1। 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 2। रिमाइंडर क्या आएगा? 1। आप 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 1। रिमाइंडर क्या आएगा? 0। आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0। रिमाइंडर क्या आएगा? 1। ये देखो, इसमें नीचे से ऊपर तक आप नंबर्स को जोड़ लें, 10111, ये इसका बाइनरी इक्विवेलेंट नंबर है। तो आपने नीचे से ऊपर तक जोड़ना है 10111 और ये टर्म आएगी। तो कैसे किसी नंबर को हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया, समझ में आ रहा है? उसके रिमाइंडर्स को इकट्ठा कर दिया। इसको बिट बोलते हैं, 0 और 1 बिट्स हैं।
तो ये सबसे राइट वाले बिट को बोलते हैं LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और इसको बोलते हैं MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, LSB, MSB। तो क्या ये पहला रूल सबको क्लियर है? ठीक है यहां तक। जैसे कोई और नंबर ले लेते हैं, कोई बात नहीं। जैसे सपोज करो आपको क्वेश्चन में गिवन है एक नंबर है, लेटर सपोज 16 डेसिमल नंबर है, और आपको किसमें कन्वर्ट करना है? बाइनरी में। तो स्टार्ट करो, आप इसमें डिवाइड करें, 16 को नंबर लें, 2 से डिवाइड करें, क्या आएगा? 8, रिमाइंडर क्या आएगा? 0। 2 से डिवाइड करें, 4, रिमाइंडर क्या आएगा? 0। 2 से डिवाइड करें तो क्या आएगा? रिमाइंडर 0। 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0। और 2 से डिवाइड करेगा 0 तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1। इन नंबर्स को उल्टा जोड़ते हैं, क्या आएगा? 1, 1, 2, 3 और 4। आंसर इसका आंसर आएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है? 2 8 0, 2 4 0, 2 को डिवाइड किया 4 से, 2 0, 2 को 2 से डिवाइड किया 1 0, 2 को 1 से डिवाइड किया, हो नहीं सकता ना, तो यहां पर क्या आएगा? 0, और रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 1। 2 0 0, और रिमाइंडर क्या आएगा? 1 1 0 0 0। ठीक है यहां तक? तो अगर क्वेश्चन आ गया जिसमें आपको डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो हो जाएगा। उल्टा भी ट्रू है, ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपके पास कोई नंबर सिस्टम है 1 0 1 1 1, तो ये कौन सा नंबर सिस्टम है? बाइनरी। इसको आपने कन्वर्ट करना है किसमें? डेसिमल में। तो कैसे करना है इसमें डेसिमल में कन्वर्ट? आप लिखें 1 0 1 1 1, यहां से स्टार्ट हो जाए, इसके नीचे लिखें 2 की पावर 0, इसके नीचे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 4। ठीक, फिर यहां से इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करें, 1 into 2 की पावर 0 प्लस 1 into 2 की पावर 1 प्लस 1 into 2 की पावर 2 प्लस 0 into 2 की पावर 3 प्लस 1 into 2 की पावर 4। चेक करें आंसर क्या आएगा? 23 ही आएगा। तो अगर डेसिमल नंबर सिस्टम दे दिया उसने ऑब्जेक्टिव में, और आपको जो बाइनरी नंबर सिस्टम दिया और आपको डेसिमल पूछ लिया, तो रूल समझ में आ रहा है कैसे लगेगा इसमें? कोई डाउट इसमें? तो एक क्वेश्चन अगर आएगा डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल हो जाएगा सॉल्व। ठीक, ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है यहां तक? ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक, नेक्स्ट करना है, नोट करना है, ये लो।
ठीक, नेक्स्ट है बाइनरी नंबर सिस्टम के बाद, इसको बिट बोलते हैं, हो गया कन्वर्जन हमने कर ली, ये सब हमने कर लिया, MSB LSB मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है एनालॉग एंड डिजिटल सिस्टम या सिग्नल। एनालॉग सिग्नल वो सिग्नल है जो टाइम के साथ अपनी वोल्टेज को चेंज करते हैं, तो V की वैल्यू इंस्टेंटली चेंज हो रही है, जैसे AC सिग्नल एनालॉग सिग्नल है। डिजिटल सिग्नल की दो ही वैल्यूज होती हैं, ये बार बार चेंज नहीं होती, या हाई वैल्यू या लो वैल्यू। जैसे हाई वैल्यू डिफाइन करते हैं 5 वोल्ट और लो 0 वोल्ट, 0 या 5 या 0 या 5 या 0 या 5, और कुछ नहीं है बीच में। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट है लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स का मतलब मैंने बता दिया, इसमें डेफिनेशन तो हमने पढ़नी भी नहीं है वैसे भी। तो तीन किस्म के गेट पढ़ते हैं जो किसी लॉजिक पे काम करते हैं। तो तीन बड़े बेसिक गेट हैं, उनमें से पहला गेट है और गेट, दूसरा एंड और तीसरा नॉट गेट है। और गेट की शक्ल याद कर लो, मैं बता रहा हूँ, नहीं तो भूल ना जाना, ये आपका और गेट है, और गेट है, ये आपका नैंड गेट है, ये नैंड सॉरी एंड गेट है, और ये आपका नॉट गेट है, ये रहा नॉट गेट है। तीन गेट्स देखने में ऐसे हैं, बने हुए हैं आपके बुकलेट में नीचे बने हुए हैं, बस गेट के अंदर लिख लेना दूर से, हाँ यहाँ पे लिख लेना और एंड और नॉट, ये लिख लेना बस डायग्राम के ऊपर। ठीक है, तो तीन किस्म के गेट्स हैं, ये वायर्स हैं। इसको तोड़ के क्या निकलेगा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसके अंदर कुछ डायोड लगे हुए हैं पर हम डिस्कस नहीं कर रहे। दो वायर्स हैं, देन इनपुट और एक आउटपुट है। इनपुट में मान लो एक सिग्नल ए जा रहा है और एक बी जा रहा है, और आउटपुट में वाई आ रहा है। ए जा रहा है, बी जा रहा है और आउटपुट में वाई आ रहा है। इनपुट में ए जा रहा है और आउटपुट में वाई आ रहा है। ठीक है यहाँ तक। तो ये आपका ए और बी और वाई। अब इसमें क्या करेंगे, ए और बी इनपुट है और कौन सा गेट है, और गेट है। तो इसमें क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है, ये क्या करता है, और गेट दो सिग्नल्स को लेता है एज एन इनपुट और ऐड करके बाहर करता है ए प्लस बी। ये याद करना है, और गेट का फॉर्मूला बोल सकते हो, और गेट का ये फॉर्मूला है वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी। जो एंड गेट है वो क्या करता है, ए इंटू बी, वाई इज इक्वल टू ए इंटू बी। और नॉट गेट क्या करता है, वाई इज इक्वल टू ए का बार, ये याद रखेंगे ए का बार। ठीक है यहाँ तक। अब इसमें, इस मैथ में इसे बोलते हैं एक्सप्रेशन, फॉर्मूले को एक्सप्रेशन बोलते हैं। और ये एक्सप्रेशन में दो ही वैल्यूज इन्वॉल्व हैं, या 0 या 1 या 0 या 1, इसलिए इस एक्सप्रेशन का नाम है बूलियन एक्सप्रेशन। बूलियन एक्सप्रेशन, बूलियन का मतलब है जिसमें दो ही वैल्यूज इन्वॉल्व हैं, 0 या 1, बूलियन एक्सप्रेशन। तो ये एक्सप्रेशन बूलियन एक्सप्रेशन है। ठीक। नंबर टू, ये जो एलजेब्रा इन्वॉल्व है, प्लस इस प्लस का या मल्टीप्लाई का जो भी है, इसको बोलते हैं हम क्या लगा रहे हैं, बूलियन एलजेब्रा। बूलियन एलजेब्रा, एलजेब्रा क्यों, क्योंकि बूलियन क्यों, क्योंकि इस एलजेब्रा में प्लस माइनस में दो वैल्यूज इन्वॉल्व है, या 0 या 1। कोई डाउट इसमें, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक। तो ये तीन टर्म्स हैं इसमें। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट है, इसके अंदर ये तीन टर्म्स इन्वॉल्व हैं, ये फॉर्मूलाज भी क्लियर हो गया। अब ए और बी, मैं और गेट की बात कर रहा हूँ, और गेट में ए की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। बी की वैल्यू भी या 0 होगी या 1 होगी, तो वाई की वैल्यू भी या 0 या 1 होगी। तो एक बात बताओ, 0 और 1 में ऐसा भी तो सकता है कि A0 B0, A0 B1, A1 B0, ये जीरो और ये 1 और ये 1, जितने कॉम्बिनेशन से सारे बना दिए, 0 0 0 1 1 0 1 1। क्लियर है यहां तक। तो y की वैल्यू क्या होगी, 0 प्लस 0 क्या 0, 0 प्लस 1 क्या 1, 1 प्लस 0 क्या 1, 1 प्लस 1 क्या 2, नहीं 2 तो अलाउड ही नहीं है, 0 हो नहीं सकता। तो आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा, 1 से ऊपर नहीं जा सकता। तो 1 प्लस 1 2 नहीं होगा, इसमें 1 ही होगा। तो ये इसका एक ऐसा टेबल बनाया मैंने, इस टेबल के अंदर या तो सिग्नल या तो आउटपुट यस है या नो है, या 1 है या 0 है। जैसे कोई इंसान या तो बिल्कुल सच्चा है या बिल्कुल झूठा है, बीच में कोई स्टेटमेंट नहीं है। तो अंग्रेजों ने बनाया, इसका नाम रखा ट्रुथ टेबल।
ट्रुथ टेबल बोलते हैं इसे, सच्चा झूठा टेबल, 1 0 0 1। तो अगर 1 है तो यानी कि आउटपुट सिग्नल जाएगा, आउटपुट में आएगा, 0 है तो सिग्नल ब्लॉक कर देगा, जो लॉजिक गेट है सिग्नल को ब्लॉक ही कर देगा। तो ट्रुथ टेबल क्लियर है कैसे बन रहा है इसका, ठीक है यहां तक। उसी तरीके से अगर एंड गेट का ट्रुथ टेबल बनाए, तो एंड गेट का ट्रुथ टेबल बनाते हैं, एंड गेट के ट्रुथ टेबल में फिर से एक बार एक काम करते हैं, ये ए है, ये बी है, और ये ए इंटू बी है, मल्टीप्लाई है इस बार 0 0 0 1 1 0 1 1, ए इंटू बी में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 0 और 1, तो इसका ट्रुथ टेबल बन गया। ये भी क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट है नॉट गेट। नॉट गेट की क्या समस्या है, नॉट गेट की सिर्फ एक ही इनपुट है ए, और कुछ है ही नहीं, तो ए की वैल्यू 0 या 1, क्योंकि नॉट गेट ऐसा है, बी तो है ही नहीं इसमें, तो ए की वैल्यू 0 या 1। और ये क्या करता है, ए का बार बाहर निकालता है, बार का मतलब होता है उल्टा, जैसे 0 है तो 1, 1 है तो 0, ठीक, ए बार का मतलब उल्टा आउटपुट निकालना, 0 का 1 करना, 1 का 0 करना, तो ट्रुथ टेबल बन गया इसका। तो पॉइंट क्लियर है यहां तक। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई इसमें, ट्रुथ टेबल हो गए। अब नेक्स्ट, ये सब कर लिया आपने, बूलियन एक्सप्रेशन क्या है, बूलियन अलजेब्रा क्या है, ये सब हो गया, ये मैंने बता दिया और गेट है, ये मैंने बता दिया नैंड गेट है, ये मैंने बता दिया नॉट गेट है। कुछ रिजल्ट्स हैं बूलियन अलजेब्रा के कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, जैसे अगर मान लो 1 + 0 है और 0 + 1, बात एक ही है, 1 × 0 इज इक्वल टू 0 × 1, बात एक ही है, चलेगा। डबल कॉम्प्लीमेंट फंक्शन, अगर ए के ऊपर 2 बार है तो वापस ए आ जाएगा, कैसे, जैसे ये ए है मान लो 0 और 1, ए बार का मतलब क्या है 1 और 0, ए बार का मतलब क्या है, ए बार का भी उल्टा, 1 का उल्टा 0, 0 का उल्टा 1, चेक करो ये जो इनपुट आउटपुट है वो कैसे एक्ट कर रही है, लाइक नॉट गेट, कहने का मतलब ए बार का बार और ए का मतलब एग्जैक्टली क्या आने वाला है, सेम, तो एक ही बार है। तो आज के बाद अलजेब्रा में 2 बार लगे होंगे तो हम इन्हें क्या कर पाएंगे, कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, एक बार का मतलब उल्टा करना, ए बार बार का मतलब बार बार कैंसिल होना, ठीक है यहां तक। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है डी मॉर्गन थ्योरम, नॉन मेडिकल वाले तो करते ही हैं, मेडिकल वाले देख लें, ए प्लस बी का होल बार, अगर ये बार को ए और बी पे लगाना है, ए बार और बी बार, तो जो प्लस है वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है, फॉर्मूला है, और अगर ये होल बार ए इंटू बी पे है तो ए बार प्लस बी बार, ए बार प्लस बी बार हो जाएगा, समझ में आ रहा है यहां तक, तो ए बार प्लस इंटू बी बार प्लस मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, ठीक है यहां तक भी रिजल्ट। जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ गया, जैसे ये आ गया ए बार प्लस बी बार का होल बार, तो क्या करेंगे, ये होल बार को ए बार और बी बार के ऊपर लिख लें, तो ए बार का बार और प्लस किस में कन्वर्ट हो गया, मल्टीप्लाई, ठीक हो गया, और बार का बार कैंसिल, तो ए इंटू बी आंसर। उसी तरीके से ए बार इंटू बी बार का होल बार, होल बार को ब्रेक करो ए बार बी बार के ऊपर और मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा, प्लस ए बार का बार ए, बी बार का बार बी, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक।
ठीक है, तो और गेट ये अभी नहीं करेंगे, और गेट एंड गेट कैसे बने हुए हैं ये भी कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, नेक्स्ट टाइम करेंगे। अभी और दो गेट हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट गेट्स हैं, उनमें से उनमें से एक गेट है नैंड गेट। तो एक हो गया और, एक हो गया एंड, एक हो गया नॉट और एक हो गया नैंड गेट। नैंड गेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, तो अगर आप नैंड की बात करते हो तो नैंड गेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट गेट और एंड गेट। तो पहले लगाओ एंड गेट और इसकी आउटपुट दो किसमें, नॉट गेट में, तो क्या बन जाएगा, नैंड गेट। इन दो गेट्स की जगह, दो गेट नहीं लगाना चाहते, इसके इक्विवेलेंट एक गेट लगाना चाहते हो तो ये इसकी शक्ल है, एंड गेट के आके सर्कल लगाने का मतलब नॉट की तरह काम करना। तो आप इसको क्या बोल सकते हो, ये कौन सा गेट है आपका, नैंड गेट है। तो नैंड गेट है, ठीक है, एक ही बात है। ये कैसे काम करता है, एंड गेट क्या करेगा, इन दोनों की इनपुट को मल्टीप्लाई कर देगा, तो क्या आएगा, ए इंटू बी। फिर ये नॉट गेट में एंटर करेगा तो बाहर क्या निकलेगा, ए इंटू बी का बार। तो ये इसका एक्सप्रेशन है या फॉर्मूला है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ए इंटू बी का बार बनेगा, ठीक है यहां तक। तो फॉर्मूला आपने याद रखना है इसका। अब नेक्स्ट, ये ए ये बी, इसका ट्रुथ टेबल 0001101, आपको चाहिए ए इंटू बी। ए इंटू बी के बाद क्या चाहिए, ए इंटू बी का बार। ए इंटू बी निकालने, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0 1 इंटू 0 0 1 इंटू 1 1। ए इंटू बी बार का मतलब 1 1 1 एंड 0। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, 1 1 1 एंड 0, कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक क्लियर है। तो ट्रुथ टेबल हो गया, डायग्राम हो गया और फॉर्मूला भी हो गया। नेक्स्ट गेट है नॉर गेट। नॉर गेट, तो ये रहा नॉर गेट, कॉम्बिनेशन ऑफ और गेट एंड नॉट गेट। तो ये कौन सा गेट है, और गेट, ये कौन सा गेट है, नॉट गेट। ये ए और बी, तो ये क्या देगा, ए प्लस बी। और नॉट गेट क्या करेगा, ए प्लस बी का होल। ये फॉर्मूला है, एक्सप्रेशन है किसका, नॉर गेट, ठीक है यहां तक क्लियर है। ये दो गेट की जगह ये लगाएंगे तो ये नॉर गेट बन जाएगा। तो क्या आंसर होगा, ए प्लस बी का बार। ट्रुथ टेबल में 0001101, ये क्या है, ए प्लस बी, 0 1 1 एंड 1, ए प्लस बी का बार 1 0 0 और ये इसका ट्रुथ टेबल है। क्लियर है यहां तक। इसके बाद जो नेक्स्ट है वह एक्स और गेट, या जोर गेट या एक्स और गेट। एक्स और गेट पांच गेट्स का कॉम्बिनेशन है, ठीक, 5 गेट्स हैं इसमें, ये रहे 5 गेट। इसमें पहला नॉट गेट है, नॉट गेट है, ये कौन सा गेट है, एंड गेट है, ये एंड गेट है और ये और गेट है। तो ये ए है, ए से बाहर क्या निकलेगा, ए बार। ए की वायर यहां भी आ रही है तो ये ए एंट्री हो गई। ये क्या है आपका, बी है, बी एंटर करेगा तो क्या आएगा, बी बार। यहां से एंट्री यहां पे जाएगी तो क्या बनेगा, पी, ठीक है। ये एंड गेट है तो क्या बाहर देगा, ए बार इंटू बी। ये एंड गेट है तो बाहर क्या देगा, ए इंटू बी बार, ए इंटू बी बार देगा, ठीक। ये और गेट है तो और गेट क्या करेगा, ए बार इंटू बी, जो इसकी इनपुट्स हैं उनको क्या कर देगा, ऐड कर देगा। तो ये इसका फॉर्मूला बन गया। तो आज के ये तो इसलिए है कि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 5 गेट्स दे दे तो कम से कम मार्क कर पाओ कि ये एक्स और गेट है। तो वैसे एक्स और गेट ये होता है, 5 गेट की जगह एक गेट बनाएंगे तो ये आंसर आएगा, वाई इज इक्वल टू ए बार इंटू बी प्लस बी बार इंटू ए। इसका आउटपुट है, ये इसका फॉर्मूला है जो पता होना चाहिए।
क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब बात करते हैं इसकी ट्रुथ टेबल की। ट्रुथ टेबल के अंदर हम ऐसा कर सकते हैं, इसमें ट्रुथ टेबल के अंदर ये रहा, तो अब देखो इसमें क्या चाहिए, ए और बी लिख लिया, 0001 1011, हमें ए बार चाहिए, तो ए बार का मतलब 0 का उल्टा 1, 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0, 1 का उल्टा 0, बी बार कर लिया 0 का उल्टा 1 का उल्टा 0 का उल्टा 1 का उल्टा, फिर अपने को चाहिए ए बार इंटू बी, ये रहा आपके पास ए बार, ये रहा ए बार और ये रहा बी, मल्टीप्लाई करो 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 1, ओ गलत कर दिया, एक तो ट्रुथ टेबल ना कभी देखने नहीं चाहिए किसी के, यार खुद बनाने चाहिए, फायदा ही नहीं है यार, अपने भी नहीं देखने चाहिए, मैं तो कहता हूँ ऐसी कंफ्यूजन से रहती है, फिर से देखो खुद ही बनाएंगे, खुद जल्दी बन जाते हैं। देखो तो स्टार्ट करते हैं, मुझे क्या करना है, ए बार इंटू बी प्लस बी बार इंटू ए, ए और बी से स्टार्ट करते हैं, 0001 1011, ए बार और बी बार निकाल लेते हैं, ए बार में ए बार का उल्टा 1100, बी बार में 1010, फिर मुझे चाहिए ए बार इंटू बी, ये रहा ए बार ये रहा बी, मल्टीप्लाई करो 0 into 1 will give 0, 1 into 1 will give 1, 0 into 0 will give 0, 1 into 0 will give 0, फिर मुझे चाहिए बी बार इंटू ए, ये रहा बी बार और ये रहा ए, तो इसमें करते हैं ए इंटू मीन 0 into 1 0, 0 into 0 0, 1 into 1 1, 1 into 0 0, ठीक है, फिर एक काम करते हैं इन्हें ऐड करते हैं, ए बार इंटू बी प्लस बी बार इंटू ए, ऐड करते हैं 0 plus 0 0, 1 plus 0 1, ये आंसर है, अपना भी बन जाएगा, किसी की चेकिंग क्या करनी हो तो क्या ही स्टडी करोगे, समझ में आ रहा है यहाँ तक कैसे करना है, कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो याद तो कर नहीं सकते ना, ये तो बस प्रैक्टिस है। तो नेक्स्ट एक्स और गेट के बाद, अभी इसमें से कुछ नहीं करना हमने, ये अगली बार करना है हमने, एक दो चीजें जो इसमें बताने वाली हैं, अभी इसकी प्रैक्टिस, ठीक है, ये लो, वो क्वेश्चन में ऐसे दे सकता है कि आपको ना गेट्स का डायग्राम देगा, गेट के डायग्राम को देखते हुए आपने फॉर्मूला लिखना है, इसका क्या फॉर्मूला बनेगा आउटपुट का, तो क्या करना है आपने, जैसे ये ए है, ये अंदर इनपुट क्या है, ए, ये ए है तो इसकी नीचे वाले गेट की इनपुट भी क्या है, ए, ये क्या है, ये बी, ये कौन सा गेट है, ये एंड गेट है, एंड गेट क्या करेगा, इन्हें मल्टीप्लाई करेगा, ये इनपुट है ए, ये इनपुट है ए इंटू बी, ये कौन सा गेट है, और गेट, इन्हें क्या करेगा, एड करेगा आंसर, तो ये ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन गिवन होगा इसका फॉर्मूला बनाने का, ठीक, ट्रुथ टेबल आ जाए तो बना लेना, ए और बी से स्टार्ट करेंगे, ए और बी स्टार्ट करके क्या चाहिए होगा हमें, ए इंटू बी, मल्टीप्लाई कर करके ये आ जाएगा, फिर हमें चाहिए ए प्लस ए इंटू बी, ए इंटू बी और ए, तो 0 plus 0 0, 0 plus 0 0, 1 plus 0 1, 1 plus 1 1, आंसर, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले काम करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है जो बताने जा रहा हूं, कि अगर आपके पास कोई नैंड गेट है, नैंड गेट ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये ए ये बी और नैंड गेट क्या करता है, दोनों को मल्टीप्लाई करके बार लगाता है, मैं इस नैंड गेट की दो अलग अलग इनपुट्स की बजाय सिंगल वायर लेता हूं, तो यानी कि अगर मैं ए तो यहां पर भी ये, यहां पर भी ये, बी नहीं देना चाहता, इधर भी ये, इधर भी ये, इनपुट तो दो ही हैं पर सेम इनपुट्स हैं, तो मेरा आंसर क्या आएगा, ए इंटू ए का बार, ठीक है, बी की जगह ये आ जाएगा, ठीक, तो ट्रुथ टेबल देखें, इनपुट क्या गया था, ए, ए का मतलब 0 या 1, आउटपुट क्या आ रहा है, ए इंटू ए, 0 into 0 0, 1 into 1 1, ए को खुद से मल्टीप्लाई करेंगे सेम ही नंबर आएगा, और a into a का बार का मतलब 1 and 0, चेक करो 0 का 1 हो गया, 1 का 0 हो गया, तो ये गेट कैसे एक्ट कर रहा है, लाइक नॉट गेट, तो आज के बाद ऐसा गेट दिख जाए तो ये कुछ कर
करना नहीं है, तो समझाने के लिए है। ये गेट नैंड है लेकिन एक्टिंग लाइक क्या है, नॉट है, तो इसका काम नॉट वाला कर देना है। तो नैंड गेट की अगर सिंगल इनपुट है, मींस एक ही जैसे इनपुट जा रही है, तो ये गेट कैसे एक्ट करेगा, लाइक नॉट गेट एक्ट करेगा। ठीक है यहां तक? तो देखते ही आपने नॉट गेट बोल देना है बस। उसी तरीके से अगर आपके पास एक नॉर गेट है, ये रहा नॉर गेट। नॉर गेट ऐसा होता है, ये क्या करता है, ए प्लस बी का बार करता है। लेकिन मैंने नॉर गेट की इनपुट एक कर दी ए, तो ये भी ए और ये भी ए, तो क्या आएगा, ए प्लस ए का बार। तो इसमें क्या करेंगे, ए का मतलब 0 है 1, ए प्लस ए का मतलब 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 1 1, ए प्लस ए का बार का मतलब 1 एंड 0। तो ये काम भी नॉट की तरह काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये नॉर गेट है लेकिन एक्ट क्या कर रहा है, लाइक नॉट। तो आज के बाद ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा, ये देखते ही आपने नॉट बोल देना है। तो नैंड और नॉर दोनों नॉट की तरह काम करना शुरू कर देंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? सही है? ठीक, ये देखो नेक्स्ट है। जैसे सपोज क्वेश्चन आ गया, बोलो ये गेट, ये तीन गेट्स हैं लेकिन इसकी जो आउटपुट है वो किस बेसिक गेट की तरह मैच कर रही है, किस बेसिक गेट से मैच कर रही है, करके देखते हैं। मान लो सिर्फ डायग्राम आ गया, उसने ये पूछ लिया कि ये इसकी जो फाइनल आउटपुट है वो किस गेट के साथ मैच करती है। तो मान लेते हैं ये ए है, ये मान लेते हैं बी है, तो ये ए बार देगा नैंड एक्टिंग लाइक नॉट, और ये क्या देगा, बी बार देगा। ये नैंड गेट है, नैंड गेट में जो इनपुट्स आ रही हैं उनको मल्टीप्लाई करके होल बार लगेगा, ए बार इंटू बी बार का होल बार। डी मॉर्गन्स के अकॉर्डिंगली ए बार का बार, बी बार का बार, लेकिन मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। ए बार का बार ए, बी बार का बार बी, अब बीच में प्लस आ गया, प्लस का मतलब कौन सा गेट है, और तो ये किसके साथ मैच कर रहा है, और के साथ मैच कर रहा है, ऐसे देखना है। तो एलजेब्रा बताएगा आपको कि ये कौन सा गेट है, क्योंकि आप ये ना देखना कि यहां पर ए बार या बी बार है, जो मर्जी हो प्लस देखो, अगर प्लस है तो वो और गेट है, सिर्फ साइन देखना होता है। ये क्या कर रहे हैं हमें मतलब नहीं है, हो सकता है कि ए बार प्लस बी बार आ जाता, लेकिन लगा हुआ प्लस है, प्लस का मतलब कौन सा गेट है, और गेट है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक। जैसे सपोज ये कौन सा गेट है, वो कहेगा अब इस गेट में क्या करना है, कि ए है ये बी है, तो ये नैंड गेट है। नैंड गेट क्यों, क्योंकि ए और बी अलग अलग इनपुट्स हैं, ए इंटू बी का बार। अब ये नैंड एक्टिंग लाइक नॉट है, ये कुछ नहीं लिखना, तो सीधा बोलो ए इंटू बी का बार का बार क्या आएगा, ए इंटू बी, तो कौन सा गेट है, एंड गेट है, आंसर एंड गेट है। ठीक है यहां तक? जैसे सपोज क्वेश्चन में आएगा, वो कहेगा ये कौन सा गेट है, अब ये ए और बी है, ये नैंड गेट है। नैंड गेट क्या करता है, ए इंटू बी का बार करता है। ये नैंड एक्टिंग लाइक नॉट है, तो ए इंटू बी का बार विच विल गिव व्हाट, ए इंटू बी, मल्टीप्लाई है, तो ओवरऑल गेट कौन सा है, ये एंड है, क्योंकि एंड में मल्टीप्लाई आ रहा है, ए इंटू बी, तो यानी कि एंड गेट है। ठीक, तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? उसी तरीके से ये गेट है नेक्स्ट, ये लो ये रहा, इसमें ये ए का ए बार है, बी का बी बार है, तो ये नैंड गेट है। नैंड गेट क्या करता है, ए बार इंटू बी बार का होल बार है, तो ए बार का बार, बी बार का बार, और मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस, तो क्या आएगा, ए प्लस बी, प्लस आ गया ना, तो कौन सा गेट है, ओवरऑल और गेट है। ठीक, समझ में आ रहा है यहां तक, और गेट है। ठीक, ये कौन सा गेट है, ये नॉर गेट है। नॉर गेट क्या करता है, ए प्लस बी का बार, ये नॉर एक्टिंग लाइक नॉट है, तो क्या करेगा, ए प्लस बी का बार कैंसल, यानी कि ए प्लस बी कौन सा गेट है, और गेट है, तो ओवरऑल और गेट है। कर करके देखना पड़ेगा अलजेब्रा।
ठीक है यहां तक। जैसे सपोज करो ये कौन सा गेट है, नेक्स्ट ये रहा, ये नॉर एक्टिंग लाइक नॉट है, तो ए गया तो ए बार बाहर आएगा, बी गया तो बी बार बाहर आएगा, क्योंकि ये नॉर गेट है, तो ए बार इन प्लस बी बार का बार देगा, यानी कि ए बार का बार इंटू बी बार का बार कैंसल, आंसर ए इंटू बी आएगा, यानी कि कौन सा गेट है, एंड गेट है। राइट, क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट है, ठीक है, इतना ही आज लॉजिक गेट्स में।